This is the latest news. Come to my wedding update. कहाँ से लिया है? नहीं बनाने देंगे आज ही हमें वीडियो. Let's go. गुड मॉर्निंग गाइज, एक्चुअली गुड आफ्टरनून. इट्स फर्स्ट ऑफ मार्च और ऑलमोस्ट क्वार्टर टू टू हो चुके हैं. दो मिनट बाद 2 बजने वाले हैं. सो संडे है तो बहुत सारी चीजें प्लान्ड हैं. यू नो मेरे को आज एक्चुअली इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट करना है. उसके बाद में आई नीड सम क्यूटनेस इन माई लाइफ. तो आई एम गोना विजिट मिनीसो, जो कि जीटी वाला ही है, गौरव टावर्स, अगर जो जयपुर के लोग हैं वो समझ जाएंगे. डू यू सी टिप ऑफ माई नोज बाय द वे. एंड ऑल्सो बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं घर में, बिकॉज वेडिंग का टाइम नजदीक आ रहा है. एंड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि कोमल यू कैन शेयर स्नीक पीक आपकी वेडिंग की प्रिपरेशन का. पूरी चीजें तो कोई भी नहीं बता पाएगा, राइट? और इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि या तो काम कर लो या वीडियो बना लो. तो मैं आज जो करने वाली हूँ वो काम भी होगा प्लस थोड़ा सा वीडियो भी होगा. ऑल्सो मेरे घर में बॉक्सेस बहुत सारे आ गए हैं, सामान पूरा बिखरा पड़ा है, इसलिए भी क्योंकि आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू गाइज. आई एम लिटरली गोना शो यू समथिंग वीडियो में आगे. बट अभी मुझे आपको एक चीज दिखानी है. वो देखो होता क्या है, हर कोई ब्रांड, हर कोई चीज, हर कोई जना जो भी मुझे भेजता है इंस्टाग्राम से या कहीं से भी, तो मेंशन होता है उसमें कि मुझे ना कहां से आई है चीजें. लेकिन आई रिसीव्ड समथिंग वर्थ रुपीज लाइक यू नो 33,000-35,000 रुपीज. आई एक्चुअली चेक द प्राइस ऑन अमेज़न. सो उसका मुझे आइडिया ही नहीं है. आई हैव नो क्लू कि वो मुझे कहां से आई है, किसने भेजी है. रिवील कर दो खुद को, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगेगा आपको ऐसे सबके सामने थैंक यू बोलने का. और नहीं करना तो इट्स ओके, थैंक यू तो मैं बोल ही रही हूँ, राइट? सो लेट्स सी क्या बॉक्स है वो. ओके सो दिस इज दैट बॉक्स. सो दिस हैज कम फ्रॉम मुंबई. देखते हैं एक बार इसको क्या है. जल्दी जाओ. तो डब्बा भी यही है, अनबॉक्सिंग करते हैं. लेकिन उससे पहले दिस इज द लेटेस्ट न्यूज. मेरी पिंकी फिंगर का जो नेल है वो बिल्कुल टूट गया है. आई वाज एक्चुअली आउट थ्रू आउट द डे फॉर माय वेडिंग शॉपिंग. तो वहीं पे ही मुझे ये बैंडेज मिला था, तो मैंने लगाया है. अभी उसको खोला भी नहीं है बिकॉज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है. बॉक्स तो खोल ही सकते हैं ना. मैंने तक से ओपन नहीं किया है बिकॉज इट डज नॉट फील गुड. मुझे पता ही नहीं है किसने भेजा है. मेरे को आउटर शूट्स में बहुत सही वाली हेल्प मिलने वाली है, बट बता दो मुझे किसने भेजा है सो दैट मैं ओपन करूँ और उसको यूज करना स्टार्ट करूँ, है ना? लग गई, फिर से लग गई. नाउ लेट्स कम टू माई वेडिंग अपडेट. सो आज है 1st of March. अभी तक हमारे प्री वेड को लेकर भी कोई प्लानिंग नहीं हुई है. कल डेफिनेटली एक मीटिंग थी हमारी चीज़ों को लेकर, बट अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है. लोकेशन क्या होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें. एंड आई डोंट नो ये वाला वीडियो कब तक जाएगा. तब तक तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने होंगी आप लोगों के भी, इनकेस वीडियो शूट भी होता है तो आई ऑब्वियसली शेयर स्नीक पीक ऑफ दैट. बट अभी तक कुछ भी प्लान नहीं है बिकॉज ही इज ऑल्सो बिजी इन हिज वर्क, आई एम ऑल्सो बिजी इन माई वर्क. और तभी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें प्री प्लान करके चल रहे हैं. आई नो आई बिन गेटिंग सो मेनी कॉमेंट्स कि जीजू क्या करते हैं, क्या काम है उनका. एक वीडियो प्लान करते हैं और उसमें सारी चीज़ें हम आपको तसल्ली से बैठ के बताते हैं कि वो क्या करते हैं और मैं क्या करती हूँ. मेरा तो पहले पता ही है ना. आई एम सो सॉरी फॉर चेंजिंग फ्रेम्स टू क्विकली, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, राइट? फर्स्टली आई टेक शार और उसके बाद में थोड़ी सी होली खेल के आई हैव सम कलर ऑन माई फेस. इट्स गोना बी यू नो वेरी कलरफुल व्लॉग. ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद द सेटअप. सो ये हमारा लुक है, ये हमारी दूसरी पार्टनर आ गई. गुड्डा एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा. इतना ज्यादा क्यों? इतना ज्यादा, कभी वीडियो नहीं बनाया नहीं. लेट्स गो. ऑलराइट, सो ये है सेटअप. सामने कैमरा मिरर दोनों हैं. अभी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं एंड देन वी गोना स्टार्ट विद दिस शूट. आ जाओ. सो गुड्डा कैसा रहा प्री होली वाला पार्ट? अच्छा था. और पोस्ट होली के लिए एक्साइटेड हो? लेट्स गो. Alright guys, so done with the shoot. और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इट्स 7:45 है ना. और अभी मैंने जल्दी से जाना है मिनी. सो ऑल्सो आई एम नॉट गोना वेयर दिस टॉप, मैं चेंज करने वाली हूँ. पहनूंगी ब्लैक ही, लेकिन ये वाला नहीं. सो लेट्स गो. बहुत ज़रूरी है मुझे इसको कवर करना बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी रीसेंट वीडियोस में कुछ ज़्यादा ही कि कोमल ब्राइडल स्किन केयर रूटीन क्या है आपका, क्या ऐसी चीज़ इंक्लूड कर रहे हो. डिफरेंट फ्रेम और भी नज़दीक आ गए हो आप मेरे स्किन के, यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि मेरी स्किन कैसी लग रही है अभी. सो कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, यू कैन सी
है ना। अगर मैं नेचुरली ग्लोइंग स्किन की बात करूँ ना, तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन, वाटर इनटेक बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी स्किन में कितना ग्लो आने वाला है, बिकॉज वॉट यू ईट ना वॉट यू ड्रिंक शोज इन अ फेस, शोज इन अ स्किन। एक बात को प्लीज नोट कर लो कि ड्राई स्किन कभी भी ग्लोइंग नहीं दिखेगी, कभी भी हेल्दी नहीं दिखेगी। सो अभी मेरे स्किन केयर रूटीन में मैंने ये चीज ऐड करी है, और उसके बारे में मैंने जनवरी में भी वीडियो बनाया था। तो दिस इज मामा अर्थ स्किन प्लम्प फेस सीरम, दिस इज विद हाइलुरोनिक एसिड एंड इसमें रोजहिप ऑयल है। रोजहिप ऑयल का जो फेशियल सीरम है वो मुझे खुद ही एज अ मेकअप बेस लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज वो स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है, और हाइड्रेटेड स्किन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इट्स अनबीटेबल। अगर मैं बात करूं कब इसको लगाना है, तो देखिए फेस वॉश, टोनर, फेस सीरम क्योंकि लाइट वेट कंसिस्टेंसी होती है, देन मॉइस्चराइजर, देन जो थिक फेशियल ऑयल्स होते हैं ना वो, तो ये एक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। एंड देन अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉइस्चराइजर के तुरंत बाद आता है सनस्क्रीन। लेट्स सी मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ। इट्स मिल्की वाइट इन कलर, बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, एंड देन अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको टैप टैप करके अच्छे से मसाज करना है। मसाज तब तक करना है जब तक कि ये कम्प्लीटली अब्सॉर्ब नहीं हो जाता स्किन में। फॉर्मुला बहुत लाइट वेट है, तो मतलब आप इसको मेकअप के अंडरनीथ भी वेयर कर सकते हो। दिस वन इज पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट्स all skin types, and you know what, Mamaearth is now a PETA certified brand and also they are plastic positive, matlab jitna use karte hain usse zyada recycle, in case aap usko morning ya fir night mein use karna bhool jate ho then it's okay, din mein kabhi bhi face wash ke baad mein aap usko use kar sakte ho. Now there is a reason why I'm saying this, changing weather mein it will not give you that greasiness on your face, आई मीन वो हमको पसंद भी नहीं है, राइट। सिंस आई इन माई लेट 20s, इस पॉइंट पे इसको इंक्लूड करना इसलिए भी सही है बिकॉज दिस इज फॉर एजलेस स्किन एंड ऑन द टॉप ऑफ इट यू हैव योर वेडिंग कमिंग अप। देखो एजिंग को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको डिले जरूर कर सकते हैं कुछ सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। एंड यू नो वॉट, मामा अर्थ के जो भी तीनों सीरम्स हैं वो मैंने पर्सनली ट्राई किए हुए हैं सारे, मंथ्स तक मैंने उनको यूज किया है, तभी आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो कंसिडर चेकिंग दिस वन, और ये वाला कूपन कोड आप यूज कर सकते हो mama.in पे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ। ये आपको सीरम सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिल जाएगा, Amazon, आएगा, हर जगह पे अवेलेबल है। So this is my outfit of the day. These from Forever 21 and this bag from Shein. The fit of these jeans is absolutely amazing and I really like it. अगर मुझे मिलता है ना तो I'll leave the details in the description box below. Now, let's go. Okay, so she is here to help me. Red board पे mention है। अच्छा, buy one get 30% off, buy two get 40, and buy three and above get 50. And also, you know what? They also have seamless panties. All right. So firstly, I'm gonna finish the vlog part, and then I will move on to the stuff because I don't have a lot of time. You know what, मैं काफ़ी सारी क्यूट डायरीज यहाँ पे देख रही हूँ। मैंने एक्चुअली पूछा है उनको इन केस वी हैव समथिंग अंडर 250 rupees, although look at the cute prints, nice, no? How much is this for? This is for 200 rupees. Well, काफ़ी सारा स्टफ ऑलरेडी मैं भर चुकी हूँ। ओके, सो बहुत सारी शॉपिंग हो गई है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं ना वो आई थिंक 250 के अंडर ही हैं, बट एक दो परफ्यूम्स मुझे बहुत अच्छे लगे, सो थोड़ा बहुत बजट क्रॉस हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं बिलिंग पे। Alright, so it's 10:04 and I'm home. मम्मी को डोसा खाना अच्छा लगता है तो मैं वो ले आई, और मुझे बहुत भूख लग रही है
एंड यू नो वॉट गाइज द बेस्ट पार्ट वॉज दैट आई मेट 3 to 4 ऑफ यू. बहुत ही अच्छा लगा. प्लस आप में से बहुत सारे लोग हेजिटेट होते हो मिलने से, तो ऐसा नहीं है. आपने अगर पहचान लिया है तो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझसे ऐसे मिलोगे तो. एंड आई कैन गारंटी यू आप मुझे देख के डरोगे भी नहीं. ओके सो मम्मी इज एंजॉइंग डोसा. और यहाँ पे मैंने एक नई डिश ट्राई करी है. दिस इज इडली मंचूरियन समथिंग. डू ट्राई दिस इन केस आप जाते हो तो. मैं मेंशन कर दूंगी कहाँ से लिया है. March, almost the same timing, जब मैंने कल vlog start किया था. और अभी मैं ready हो गई हूँ shopping के लिए. market जाना है and let me show you what I'm wearing. Well, I really like the print and the color of this kurta. Very summer appropriate. So मैंने थोड़ा बहुत makeup भी किया हुआ है because outfit trial के time पे थोड़ा बहुत तो चलता ही right. और हाँ this combination I really like of lip color. Pillow Fight Nykaa का lip liner and wake up and makeup shade from the Nykaa So Creme creamy matte lipstick. And yes, makeup से पहले I did wear Mamaearth Skin Plump Serum because बहुत ही हल्का है और makeup के underneath भी wear करोगे तो पता ही नहीं चलेगा. Quick absorbent formula, right? So yeah, detail of the serum will be linked in the description box below. Hello. हाँ जी आ गए भैया. Okay okay आया. ऑल राइट. सो भयंकर वाला ही लेट हो रहा है अभी. सो या दैट्स ऑल. मम्मी भाभी मासी सबने ज्वाइन करना है अभी. सो जाती हूँ मैं. दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो गाइज. आई होप आपने वाला वीडियो थरली इन्जॉय किया होगा. लाइक ऑब्वियसली ग्लिम्स अगर आपको मिल रहे हैं शादी की शॉपिंग वगैरह के टाइम के क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी. एंड या आई सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. जो वेडिंग के पहले के वाले ब्लॉग्स हैं आपको कैसा लग रहा है देखना, पसंद आ रहे हैं तो मैंशन करिए. और ये भी याद रखिए, लव यू ऑल सो मच. भाभी का कॉल. बाय.